तो अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ हो। ऐसे लोगों के लिए साल 2024 कैसा रहने वाला है, कब इन्हें सावधान रहने की जरूरत है और साल को अपने लिए बेमिसाल बनाने के लिए इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, आइए ये भी जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, मैं फिर बता रहा हूं एक बार, ये 2024 शनि का साल है क्योंकि इसका मूलांक 8 है। मंगल, शनि और केतु का प्रभाव, मंगल, शनि और केतु का प्रभाव इस साल आपके ऊपर रहेगा अगर आपका मूलांक 9 है तो। 9 मंगल का मूलांक है। 2024 में मूलांक 9 वाले संपत्ति में निवेश करेंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। नौकरी और कारोबार के बारे में अगर बात करें तो लंबे संघर्ष के बाद मूलांक 9 वालों को नौकरी बदलने का मौका मिलेगा। देखिए, कार्य क्षेत्र में आपके साथ राजनीति हो सकती है और हो सकता है कि आपकी योग्यता के अनुरूप आपको प्रमोशन न मिले, आपकी योग्यता के अनुरूप आपको अप्रेजल न मिले। इससे आप हीन भावना के शिकार मत होइएगा, क्योंकि समय का उतार चढ़ाव सबके साथ होता है, वो आपके साथ भी हो रहा है। अपने गुस्से पर काबू रखिएगा मित्र, इसलिए कि शनि का साल है। इस साल कारोबारी किसी मुकदमे में भी आप फंस सकते हैं, इसलिए अपना लिखा पढ़ी ठीक रखिए। कारोबार में विदेश से कुछ अच्छे अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। दुर्घटना या चोट की भी संभावना है, इसलिए संभल बूझ करके यात्रा करें। पेट में भी तकलीफ हो सकती है, खास करके एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। 2024 में मूलांक 9 वालों को अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखना चाहिए। 2024 में मूलांक 9 वाले विद्यार्थियों की मेहनत रंग लाएगी, पढ़ने के लिए विदेश जाने के योग भी बन सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा में किसी तरह लापरवाही से बिल्कुल बचना चाहिए। परिवार और शादी, 2024 में मूलांक 9 वालों को मनचाहा पार्टनर मिल सकता है। विवाह का भी प्रबल योग है, लेकिन लव लाइफ में मूलांक 9 वालों को उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि अगर आपका मूलांक 9 है तो आपको बहुत बचना चाहिए, नहीं तो ये साल आपके रिश्ते को तोड़ भी सकता है। नए रिश्ते में बहुत सोच समझकर और परिवार से सलाह लेकर के ही जाइए। इस साल अपने परिवार से भी अपनी प्रशंसा की उम्मीद मत करिए, सोच समझकर बोलिए। शत्रुओं से सावधान रहिए, आलस्य से बचिए, धैर्य रखिए, संभल कर भोजन करिए। सुंदर कांड का हर शनिवार की शाम आप मंगलवार की शाम 2 दिन सप्ताह में पाठ जरूर करिए। केसर और मलयागिर चंदन का तिलक बनाकर अपने माथे पर लगाइए, दान पुण्य करिए। अप्रैल, सितंबर और अक्टूबर का महीना आपके लिए अच्छा है, नवंबर का महीना आपके लिए अच्छा नहीं है। लाल और नारंगी रंग आपके लिए अच्छा है, काला रंग आपके लिए अशुभ है। और रविवार, गुरुवार और मंगलवार का दिन आपके लिए अच्छा है, लेकिन शनिवार आपके लिए ठीक नहीं है। जय माँ विंध्यवासिनी।